आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसमें हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो में हीट मैप की। तो हीट मैप मैं बना रहा हूँ कोरिलेशन का, ठीक है ना। तो किसका कोरिलेशन सबसे ज़्यादा है उसकी वैल्यू होगी 1, जिसका कोरिलेशन सबसे कम है उसकी वैल्यू होगी -1। तो देखो, तो यहाँ पे कोरिलेशन में लास्ट टाइम बात करी थी कि कौन कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो जिनकी वैल्यू 1 आ रही होगी, प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसीज ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप डायगोनली चेक करोगे, क्योंकि डायगोनली सेम कॉलम के साथ बना रहा है, तो डायगोनली 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो, येल्लो से थोड़ा सा कम येल्लो कलर की वैल्यू कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे देखोगे 0.54, ये एज और प्रेगनेंसीज का जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, ठीक है। तो जितने भी आपको येल्लो दिख रहे हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। बाकी मोस्टली जो बिल्कुल ब्लू हैं, ठीक है ना, हल्के से थोड़े ब्लू हैं, उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बनाने का तरीका ये है, हीट मैप कोरिलेशन प्लाज्मा एनोटेशन, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ट्रू, ठीक है ना। और ये तो विम की जो आपकी रेंज है -1 to +1, ठीक है, इसको चलाओगे तो आपका कुछ इस तरीके से हीट मैप बन जाएगा। थैंक यू।